नहीं भैया, अभी कोरोना टेस्ट नहीं हुआ इनका। डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तभी जी। दरगाह थाना पे नीरज शर्मा एक पीड़ित ने आके मुकदमा दर्ज कराया है कि उसको साले को दुल्हन का झांसा देकर एक गिरोह है जिसने 1.5 लाख रुपए के आसपास ठगी कर ली है, उस पर हमने मुकदमा दर्ज किया 420 की धारा में और उसके पश्चात टीम का गठन किया गया। टीम के गठन के पश्चात उन्होंने कई होटलों की छानबीन की, उसमें पता चला कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से एक गिरोह आया हुआ है जिसमें 5 पुरुष हैं और एक महिला है। महिला को नकली दुल्हन बनाकर जो बेसहारा और जो नवयुवक अविवाहित हैं उनको झांसा देकर ये दुल्हन बनाकर शादी कराते हैं, उसके घर में रखते हैं और 2-3 दिन के पश्चात वो दुल्हन वहाँ से सारा माल समेट कर फरार हो जाती है। उक्त आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है जिनके खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। एक जो हमने स्थानीय दलाल है निर्मल जैन, उसको हमने गिरफ्तार किया जिसके खिलाफ जयपुर में मुकदमा दर्ज है। हमने इनको आज गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश करेंगे। इनके पास से हमने कई आधार कार्ड नकली और फर्जी बरामद किए हैं। नहीं, अभी हाल फिलहाल हमने इसको 420 की धारा में गिरफ्तार किया है।